एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तेलुगु राज्यों में अपना अभियान शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टी की उम्मीदवार मीरा कुमार के हैदराबाद का दौरा करने के एक दिन बाद कोविंद हैदराबाद शहर पहुंचे, जहां वो अपने समर्थन को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बेगमपेट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री एम वकाया नायडू, बंडारू दत्तात्रेय, भाजपा तेलंगाना इकाई के प्रमुख के लक्ष्मण, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मोहम्मद महमूद अली, एन नरसिम्हा रेड्डी और हरीश राव ने भी उनका स्वागत किया, जिसके बाद वो संसद के भाजपा के सदस्यों और राज्य के विधायकों से मिलने के लिए हरिता प्लाजा होटल की ओर रवाना हो गए। भाजपा सदस्यों से मिलने के बाद रामनाथ कोविंद आंध्र प्रदेश की विपक्षी पार्टी वाईएसआरसीपी के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे, जो पहले से ही उनके समर्थन की घोषणा कर चुके हैं, जहां वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी और पार्टी के सदस्य और विधायक उनके साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद कोविंद तेलंगाना के सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं से कर बैठक करेंगे, जिन्होंने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। टीआरएस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व बिहार के राज्यपाल से मिलेंगे। टीआरएस ने शहर में व्यस्त चौराहों पर विशाल होर्डिंग लगवाकर उनका स्वागत सत्कार किया है। होर्डिंग में कोविंद और चंद्रशेखर राव की तस्वीरें हैं। टीआरएस विधायकों के साथ मुलाकात के बाद कोविंद विजयवाड़ा के लिए रवाना होंगे, जहां वो तेदेपा अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और अन्य नेताओं से मिलेंगे।